वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आया हूँ एक ऐसा वीडियो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर इंग्लिश बोलना असंभव है। तो आज का वीडियो है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। व्हाट इज़ द प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउन क्या है, एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन, और कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बेसिक और एडवांस सभी तरीके बताऊंगा कि हम प्रोनाउन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम इनको पहचानें। प्रोनाउन होता क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। प्रोनाउन सर्वनाम। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम वह शब्द है जो किसी नाउन या मुहावरा यानी कि फ्रेज के बदले प्रयोग किया जाता है। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, दिस, दैट, दिस, दोस, हु, ये सभी प्रोनाउन हैं। प्रोनाउन की उत्पत्ति नहीं की जा सकती, प्रोनाउन निश्चित होते हैं। तो ये रही प्रोनाउन की लिस्ट, लिस्ट ऑफ प्रोनाउन। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम या हम लोग, यू मीन्स तुम या आप, दे मीन्स वे लोग, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दिस मीन्स ए सब, दोज मीन्स वे सब, वन, वन मीन्स अकेला या एक, एनीबॉडी कोई भी, समवडी कोई यानी कि व्यक्ति के लिए, नोबडी कोई नहीं, एनीथिंग कुछ भी, समथिंग कुछ भी, एनीवन कोई एक, नन कोई नहीं, नो वन कोई भी नहीं, हु मीन्स कौन, होम, हु मीन्स किसे, विच, विच मीन्स होता है कौन सा, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, ही लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है और सी लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह या इस। प्रोनाउन का यूज़ नाउन की रिपीटेशन को रोकना होता है, यानी कि नाउन को बार बार नहीं लिखा जाता है, नाउन को एक बार लिखा जाता है, और यदि फिर से उसी नाउन की बात की जाती है तो नाउन के बदले में प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। जैसे शिवानी एक अच्छी लड़की है, शिवानी इज़ गुड गर्ल, लेकिन शिवानी शरारती है, बट शिवानी इज़ नॉटी। यहाँ पर शिवानी एक बार बोल दिया गया है तो दोबारा से शिवानी नहीं बोला जाता है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो यहाँ पर यूज़ करना होगा सी इज़ नॉटी, वह शरारती है। इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि क्यों प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो आप जानते हैं कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, यानी कि काइंड ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं, अभी तक आपने पढ़े होंगे 7 या 8 प्रकार के, लेकिन प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं जो मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, पजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम या विभाग सूचक। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। नंबर 6, इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 7, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 8, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, निजवाचक या कर्मकर्ता सर्वनाम। नंबर 9, इम्फैटिक प्रोनाउन, निजवाचक या जोरदार सर्वनाम। इनको दृढ़तावाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लेते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और इनका यूज़ कैसे किया जाता है, इसके लिए आप यहाँ पर आ रही वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आप उस पर पहुँच जाएंगे।